अरबी क्लासेस लेने, तो आज दीदी कहते हैं जो ओआरसी निवासी कहेंगे वही हम करा देंगे। तो जो आप दीदी को बताएंगे, आप क्लास बोलेंगे तो क्लास कराएंगे, अनुभव बोलेंगे तो अनुभव सुनाएंगे, जैसा आप बोलेंगे। क्या अनुभव सुनाए, आगे आ जाओ ना थोड़ा, बहुत पीछे तक बैठे हैं, जो थोड़ा पीछे आगे है आ जाओ। हाँ थोड़ी देर ही सुनाएंगे। हाँ भाई क्या कहते हैं? अच्छा दादी के साथ का अनुभव सुनाए, अच्छा बहुत अच्छी बात है। मम्मा के साथ का भी, तब हम बहुत छोटे थे। मम्मा की बात आपने कही तो वही थोड़ी सी जो हमारी पहली मुलाकात रही वो सुना देती हूँ। वास्तव में हमारे अलौकिक जन्म की शुरुआत मम्मा की दृष्टि से हुई। मम्मा बाबा दिल्ली आया करते थे तो अक्सर रजौरी में ही, रजौरी गार्डन बड़ा स्थान था, सभी स्थान किराए पे ही थे उस समय, अपने मकान नहीं होते थे, तो वो भी कोठी थी अच्छी किराए पर, वहाँ ही रहा करते थे। तो मम्मा आई हुई थी तो हमारे पेरेंट्स ज्ञान में 2-3 वर्ष पहले से चल चुके थे, 1960-61 में। और जब मम्मा से मैं पहली बार मिली तो मेरी आयु 7-8 वर्ष के अंदर थी। तो पेरेंट्स ने सोचा, हमारी मम्मी को ख्याल आया कि मम्मा आई हुई है तो इसको भी साथ ले चलते हैं, है छोटी लेकिन पेरेंट्स को रहता है ना बच्चे भी देखें मिलें। तो हम गए तो वहाँ हॉल जो है वो पूरा भरा हुआ था। हमको उस समय कुछ भी मालूम नहीं था ये हॉल किनका भरा हुआ है, ज्ञान का ABC भी नहीं पता था, आयु भी छोटी थी उस समय। आज के बच्चे तो होशियार होते हैं 7-8 वर्ष वाले, वो हमें भी सिखा देते हैं, बहन जी आपको मोबाइल चलाना भी नहीं आता। हाँ तो उस समय हम लोग जो है उस वो टाइम ही ऐसा था, हम क्या और भी सारे, हम तो और ही ज़्यादा बड़े एकदम सिंपल सीधे सादे, हाँ कोई होशियारी नहीं हुआ करती थी इतनी, तो ज़्यादा जानकारी लेने की भी नहीं होशियारी होती थी। तो कहा बच्चों को जगह नहीं होने के कारण कि बच्चे बाहर खेलें, पीछे बगीचा था उस कोठी में ना, तो हम बच्चे चले गए, 8-10 बच्चे थे तो हम लोग वहाँ खेलते रहे। जब क्लास पूरा हो गया तो मम्मा ने सबको टोली खिलाई, तो मम्मा ने ही बच्चों को याद किया और मम्मा ने कहा बच्चों को भी बुलाओ। तो एक बहन आई और कहा चलो बच्चे चलो, मम्मा बुला रही है, मम्मा बुला रही है। तो जैसे बच्चों की प्रवृत्ति होती भागते भागते पहुंच जाते हैं, तो ऐसे ही हम सब जो है वो हॉल के अंदर से सामने मम्मा संदल पे बैठी थी और हम चलते गए, आगे आगे मैं ही थी। तो जैसे ही मम्मा के पास पहुँचे तो मैं एकदम अवाक होके मम्मा को ऐसे देखती रही, जैसे छोटे बच्चे कई कोई नई बात देखते हैं, कुछ नया देखते हैं तो नहीं, जैसे उसमें आ जाते हैं एकदम सन्न हो जाते हैं और उस प्रभाव में। तो मैं मम्मा का चेहरा देखती रही जैसे ना, और मम्मा की मोटी मोटी आँखें, एकदम मेरी दृष्टि मम्मा की दृष्टि में जैसे अंदर चली जाती है ना, देखने में मस्त हो जाते हैं, ज्ञान कुछ नहीं पता ये कौन है क्या है। तो जब मम्मा ने देखा, मम्मा तो दृष्टि मुझे दे ही रहे थे, तो मम्मा ने एक हाथ से ऐसे किया और हमको आगे किया बड़े प्यार से, बहुत प्यार से, और फिर ऐसे हाथ से हमारे माथे पे ऐसे उंगली की, कहा तुम आत्मा हो। क्योंकि मम्मा तो दूरंदेशी विशाल बुद्धि समझ गई, ये तो मेरे उसमें खो गई है जैसे ना, एकदम चेहरे को देख कर ही जैसे। तो मम्मा ने फिर हमको बोला उंगली लगा के, तुम आत्मा हो, और बड़े प्यार से ऐसे सहलाते हुए फिर टोली दी। बस इतनी मुलाकात हुई, और टोली दे के फिर दूसरे भी बच्चे खड़े थे उनको देनी थी, तो मैं साइड हुई, तो उसी समय साथ ही हमारी लौकिक मम्मी भी खड़े थे। तो उन्होंने कहा मम्मा यहाँ बैठी है, जैसे इधर मम्मी खड़ी है इधर मैं टोली लेके ऐसे होती हूँ, तो
तुम्हारी मम्मी कहती है ये मम्मा है, और मम्मा तो सबको ही कहते हैं, माँ को मम्मी मम्मा जो भी, ये मातेश्वरी है, ये सरस्वती है, ये जगत अम्बा है। और मैं सुनती जाऊँ लेकिन देखती मम्मा की शक्ल को जाऊँ, और पता मुझे समझ कुछ भी ना आए, मुझे लौकिक रीति से भी नहीं पता था सरस्वती कौन होती है, क्योंकि हमारे घर में कोई भक्ति भी नहीं चलती थी, कुछ भी नहीं था, ज्ञान की ही शुरुआत हुई इसी दिन ना। तो वो छाप पड़ी हमारे ऊपर, तो उस दिन से मेरे को जैसे योग में बैठने का आकर्षण हो गया। घर में भी पेरेंट्स बैठते थे, और उस समय ग्रामोफोन होता था जिसमें बड़े बड़े वो रिकॉर्ड्स होते थे और फिल्मी गाने होते थे, जो साकार बाबा के समय मुरलियों के गाने हैं ना, वो बजाया करते थे। तो मात पिता हम बालक तेरे, जो भी है, मरना तेरी गली जीना तेरी गली में, और शिव बाबा की लाइट वो जगी रहती थी। और उस समय लाइट में ना बिंदु नहीं होता था, आजकल तो लाइट में बिंदु, और अब तो सुंदर सुंदर शिव बाबा बहुत नए नए तरीके के बनाने लग गए हैं। तब सिर्फ ओवल शेप बस, और लाइट रेड लाइट वो हमारे घर में लगा हुआ था, और चित्र भी लगे हुए थे बड़े, लेकिन योग करते टाइम आगे छोटी सी ऐसे संदल भी होती थी, तो वो लाइट जगी होती थी, गीत बजते होते थे। तो हमारे पेरेंट्स आधा आधा एक एक घंटा बैठते ही थे, शाम को तो अक्सर बैठते थे, तो मैं साथ जाके बैठ जाती थी, और मुझे पता नहीं कि क्या कर रहे हैं ये, मैं पूछती भी नहीं थी आप क्या कर रहे हो, बस मैं ये देखती थी ये बैठे हुए हैं तो मैं भी साथ बैठ जाती हूँ, जैसे बच्चे साथ बैठ जाते चौकड़ी लगा के, नीचे ही बैठते थे पट पे, तब कुर्सी पे बैठ के योग करने का रिवाज ही नहीं था, सेंटर पे भी नहीं था, सिर्फ टीचर बहन सामने संदली पे बैठती थी। तो मुझे जब देखते थे ये पेरेंट्स योग करते हुए, तो मैं हिलती नहीं थी जरा भी ना, स्थिर एकदम। तो उन्हें आश्चर्य लगता था, ये छोटी सी है, बच्चों में इतनी चंचलता होती है, इतनी देर स्थिर नहीं बैठ सकते, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाते ज़रूर हैं या उठ के ही भाग जाते हैं। मैं बैठ, जब तक वो नहीं उठते थे मैं भी नहीं उठती थी, और मेरा ध्यान सारा सामने वो जो रेड लाइट जल रही है उस पर। ये रेड लाइट क्या है, किसका साइन है, कुछ नहीं पता, लेकिन आकर्षण। तो मुझे योग का, जैसे ना योग का शब्द तो उस समय योग में बोलती नहीं थी कोई, ये तो मैं अब, क्योंकि हम सब आप जानते हैं, मैं कुछ नहीं कहती थी, बस मुझे ये पता था चुप करके, और रेड लाइट को मैं देखती रहती थी। तो मुझे ना एक आकर्षण होता था, तो वो तब से ही शुरुआत हो गई। फिर धीरे धीरे मुझे जैसे इतना अच्छा लगने लगा, मैं अपने पेरेंट्स को कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं भी सेंटर पर चलूँगी। तो मैं संडे संडे जाना आरंभ किया, तो मैं रात को ही कह के सो जाती थी, नहीं तो मेरे को छोड़ जाते थे, क्योंकि अपने आप उठती नहीं थी मैं, वो मुझे उठाते थे, फिर मैं तैयार हूँ, इंतज़ार करते थे, फिर मैं ज़रूर अंदर, जैसे एक खींच होती है ना किसी को ऐसे, तो वहाँ भी मैं ऐसे ही बैठती थी। तो ऑलराउंडर दादी वहाँ हुआ करती थी, सुदेश दीदी भी होती थी, तब वो कन्या के रूप से वहाँ सेंटर पे थोड़े टाइम से रहना शुरू हुई थी, बड़ी दीदी होती थी पहले, तो बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, उनसे हमारे परिवार की पालना हुई, और ऑलराउंडर दादी ने ही हमारे पेरेंट्स को कोर्स कराया था, पहले फादर को कराया, फिर मदर को, विमला बहन आगरा वाली जिसने शरीर छोड़ दिया है वो भी तब आया करती थी और थोड़ा रहना शुरू किया था, तो उन्होंने कराया। इस प्रकार से हमारे ज्ञान की शुरुआत हुई। तो मम्मा तो फिर अव्यक्त हो गई, उसके बाद हमारा दोबारा मम्मा से मिलना हुआ ही नहीं, फिर तो दादियों की पालना मिलती रही। और जब हम समर्पित हुए तो हम सीधा पांडव भवन में मधुबन से ही दादी प्रकाशमणि ने और बड़ी दीदी ने निर्णय लेके भेजा, क्योंकि बड़ी दीदी हमारे परिवार को शुरू से ही जानते थे, दिल्ली में पालना की थी और रजौरी गार्डन में ही रहती थी बड़ी दीदी। और जब मम्मा अव्यक्त हुई 1965 में, तो बाबा ने बड़ी दीदी को मधुबन में बुला लिया, और मधुबन में यज्ञ की जिम्मेदारी सारी बड़ी दीदी के ऊपर थी ही। प्रकाशमणि दादी उस समय बॉम्बे में रहते थे, तो बड़ी दीदी ये नॉर्थ साइड सारा जो था ना, ये दिल्ली
राजस्थान और यूपी और पंजाब वो इस तरफ का सारा देखती थी, तो बीच बीच में आती भी रहती थी। तो ज़्यादा फिर आगे हमारी पालना जो है वो ऑलराउंडर दादी ने की। तो उन्होंने फिर जब पांडव भवन बना और मैंने पढ़ाई पूरी की, तो बड़ी दीदी और प्रकाशमणि दादी ने ये फैसला किया कि इसको पांडव भवन भेजें। तो मैं फिर सीधा मधुबन से ही ऑलराउंडर दादी के साथ ही पांडव भवन में आई। तो उस समय मेरे को बड़ी दीदी ने एक बात कही कि सुनो, क्योंकि ऑलराउंडर दादी बहुत स्ट्रांग थी, और जो स्ट्रांग होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता है ना। तो दीदी ने मेरे को कहा, सुन पुष्पा, ऑलराउंडर से पास माना ऑल इंडिया से पास। उस समय विदेश की सेवाएं ऐसी नहीं थी, सेंटर्स नहीं बने थे, थोड़ी थोड़ी सेवा शुरू हुई थी कहीं कहीं पर। जगदीश भाई आदि, बड़े महारथी आदि जाते रहते थे, एक ग्रुप भी गया था, वो तो विस्तार अलग है। लेकिन सेंटर्स ऐसे नहीं थे जो विदेशी लोग आए भारत के अंदर या सेंटर्स, तो भारत ही बहुत बड़ी बात थी कि सारा भारत इतने सेंटर्स सभी स्टेट्स में खुलते जा रहे हैं। तो दीदी ने मेरे को ये बात कही, तो मुझे उस समय इस बात से समझ तो आ गया कि अब ऑलराउंडर दादी जैसे कहेगी मुझे हर बात माननी है, कोई भी बात में मनमानी नहीं करनी है। वो संस्कार भी हमारे नहीं थे, शुरू से संस्कार भी ऐसे ही थे कि जो बड़े कहें हाँ जी करना है। पेरेंट्स के आगे भी हमने कभी जवाब नहीं दिया। मान लीजिए कोई गलती के कारण अगर हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा वो भी हुए, या हमारी मदर कभी सोचती थी ये इसने देर लगा दी या कोई ऐसी बात, तो मैं खुद जाके अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के कहती थी, मम्मा मेरे से गलती हो गई ना, आप नाराज तो नहीं हो मेरे से। मैं ही बार बार बोलती थी, बजाय हमारी मम्मी मेरे को बोले मैं जा के बोलती थी। मतलब मेरे से ये नहीं होता था कि कोई मेरे से बात ना करे या मेरी कोई गलती के कारण सीरियस हो जाए या मुझे कोई महसूस कराए, तो मैं पहले ही समझ लूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया, तो मैं एक्सक्यूज़ भी मांग लेती थी। तो इस कारण से मुझे फिर पांडव भवन में कोई दिक्कत नहीं आई। ऑलराउंडर दादी जो डायरेक्शन देती थी, ऐसे तो गुलजार दादी भी रहते थे, लेकिन गुलजार दादी का रोल, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा के पार्ट का रोल 1969 से शुरू हो चुका था, तो काफ़ी समय दादी का मधुबन में भी रहना होता था, और उन समय इतने साधन नहीं होते थे कि आज जाओ कल वापिस आ जाओ, ऐसी ट्रेन्स भी नहीं होती थी। ये तो राजधानी, आश्रम एक्सप्रेस सब बाद में चली हैं, पहले एक ही ट्रेन अहमदाबाद मेल होती थी और दूसरी जनता होती थी। अहमदाबाद मेल में सुबह 9 बजे बैठते थे तो अगले दिन सुबह 5 बजे पहुँचते थे। और फिर बाप दादा का उस समय रोल भी ज़्यादा चलता था पांडव भवन में ही, ऊपर पहले हिस्ट्री हॉल, फिर मेडिटेशन हॉल, बाबा के कमरे में भी बाबा आते थे, और ग्रुप्स भी सप्ताह सप्ताह रहते थे, 10-10 दिन भी रहते थे। और उस समय बाबा सप्ताह के अंदर 3 बार आ जाते थे, और पार्टियां पर्सनल क्योंकि मिलती थी, एक एक का पर्सनल मिलना होता था तो बहुत टाइम भी जाता था। तो इस कारण से दादी गुलजार का रहना मधुबन में बहुत अधिक होता था, और दिल्ली भी आकर रहते थे। मेनली तो सेवाओं का रोल दिल्ली में ही चलता था, और वो रोल बाप दादा का विशेष दादी का वहाँ चलता था। तो ऐसे हमारा दादी गुलजार के साथ और दादी ऑलराउंडर के साथ रहना हुआ। लेकिन ऑलराउंडर दादी में क्योंकि माता थी ना, मातृ भाव जो मातृ पालना होती है वो बहुत खास होती है, तो वो भी हमको दादी से बहुत ज़्यादा मिली। भले दादी कई बातों में बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन बहुत बातों में दादी हम सबको जैसे एक बेटी होती है किसी की, भले लौकिक में बेटी गुलजार दादी थी ऑलराउंडर दादी की, परंतु हम सब कन्याओं को भी दादी ऐसी पालना देती थी जैसे बेटी के समान। मैं आई तो दादी को, क्योंकि हमारी नब्बत सारी बचपन से पता थी ये कैसे पली है कैसे पढ़ी है, तो दादी को पता था ये बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनती है। तो दादी मुझे कहती थी, तुम चुप करके गठड़ी रख जाना बस इशारे में, तो मैं इशारा समझ जाती थी। तो वो कहाँ से प्रेस होके आए, कैसे होके आए, मुझे नहीं पता चलता था,
लेकिन वो प्रेस हो जाते थे। धोबी आता था लेकिन वो वीक में एक बार आता था, थोड़े बहुत कपड़े सबके जाते थे, आने जाने वाले कपड़े प्रेस हो जाते थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं हाँ सुनाने के लिए। तो हमने ऑलराउंडर दादी से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। दादी की ये खासियत थी कि वो स्थूल में भी माहिर थी और सूक्ष्म में भी माहिर थी। कोई भी स्थूल सेवा हो, यहाँ तक कि पहरा भी देना है तो दादी बैठती थी, वरांडे में बैठी रहती। सर्दी, कड़कती सर्दी में भी दादी 3-3:30 बजे वरांडे में आके बैठ जाती थी। देखा है ना पांडन का वरांडा, तो आप सब ने जहाँ देवियाँ बनी हुई हैं, नहीं देखा तो आना देखने के लिए। अच्छी बात है ना, मैं नहीं समझती कोई होगा जिसने नहीं देखा होगा। कौन है आप में से जिसने नहीं देखा? अरे अच्छा, फिर तो ज़रूर आना ही चाहिए। हाँ, वो तो आपका ही घर है सबसे पहले। हाँ, भाई साहब भी वहाँ रहे, आशा दीदी भी वहाँ रही। आशा दीदी जब तक ORC नहीं बना, 2000 में ORC बना ना, 28 वर्ष वहाँ ही आशा दीदी रहे और सारे दिल्ली की सेवाएं की, VIPs की सेवाएं की, बहुत सारी सेवाएं की। और भाई साहब भी अभी भी आते जाते हैं, हाँ सारी सेवाएं देखते हैं। दिल्ली कितना बड़ा है आपको पता है ना, हाँ NCR दिल्ली 450 सेंटर्स हैं, कितनी वृद्धि होती चली गई। तो बहुत बड़ा हमारा ग्रुप हुआ करता था पांडव भवन में। पहले इतने भाई किसी सेंटर पर नहीं हुआ करते थे, मधुबन में, नेक्स्ट उसके बाद पांडव भवन में। फिर धीरे धीरे सेंटर्स कई बढ़ते गए और अब तो इतने रिट्रीट सेंटर भी बन गए। तो आप सबका सौभाग्य है कितना, जो आप सभी बाबा के घर में इतनी बेहद सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, समर्पित हैं, और इतने अच्छे अनुभव भिन्न भिन्न सेवाओं के आपको हो रहे हैं, स्थूल भी सूक्ष्म भी। तो ऑलराउंडर दादी जो है वो स्थूल में भी माहिर, माना भोजन कैसा बना है, ठीक नहीं बना है, इसमें क्या करेक्शन करनी है, टोली बनानी है। इतनी बड़ी आयु में भी दादी खुद जाके टोली बनाती थी। पहले तो सारी खुद बनाती थी, फिर धीरे धीरे इतनी ताकत नहीं रहती है शरीर में तो एक भाई को साथ लेके कहती थी तुम बनाओ। और एक ही टोली दादी की सबसे ज़्यादा पक्की थी, फेवरेट कहें, पक्की कहें, वो रेगुलर कहें, हाँ वो कौन सी होगी आप बता सकते हो, गैस कर सकते हो? हाँ, मोहन थाल। क्योंकि मोहन थाल सिंधी कम्युनिटी की बहुत स्पेशल मिठाई मानी जाती है और वो जल्दी ख़राब नहीं होती है, उसको बहुत घी के अंदर भूनना पड़ता है। तो दादी और रबड़ी डालती थी बेसन के अंदर डाल के ना, उसको भूनती थी, बहुत भूनती थी। तो हम लोग कहते थे दादी को हम मदद करें, दादी हमें खड़े भी नहीं होने देती थी क्योंकि दादी को पता था ये कर नहीं सकते हैं। और ऐसे ही कहते हैं करें करें करें, लेकिन हमारा तो फ़र्ज़ बनता है ना, बड़ों बड़े काम कर रहे हैं और हम साथ में ना करें। तो दादी को पता होता था ये बहुत मेहनत का काम है, उसको भून, और थोड़ी नहीं बनाती थी दादी। बड़ी बात ये है, असली बात एक हो ना, थोड़ी सी है तो चलो हम भी मदद करें, तो थाली भी होगी तो इतनी बड़ी बड़ी। तो दादी बनाती थी तो एक कनस्तर, दो कनस्तर, उस समय वो भी बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। आज आप तो अनुभवी हो गए हो, 20-20, 100-100 कनस्तर के बनाने के। आप सब ORC वालों को बहुत सौभाग्य मिला है, सेवाएं भी कितनी वृद्धि को हो गई हैं, तो सब कुछ में अधिक संख्या में चाहिए ना। उस समय तो एक कनस्तर भी लगता था, इतनी सारी टोली। और वो भी दादी ऐसे रखती थी कि ये नहीं कि जो मर्जी उठाए और ले जाए और खा ले, कंट्रोल में रखती थी। और जब दादी बैठती थी एक डब्बा वहाँ रख के अपने पास ही बैठती थी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी ऐसे कोई भी डब्बा खोले। बड़े सिस्टम से दादी चलती थी। और दादी का बहुत, आपने ये तो बात सुनी हुई होगी, एक लाल लाल कहना, हर एक को ला लाओ, बड़ा आए तो भी, छोटा आए तो भी, बहन आए, भाई आए, बच्चा आए, बूढ़ा आए, लाल आओ लाल आओ, और अपने साथ बिठा देती थी और मोहन थाल खिलाती थी और मुरली की दो लाइनें ज़रूर सुनाती थी। और जो बड़ा डब्बा होता था ना कनस्तर, उसको भंडारे में नहीं रखती थी। आपने कहा ना अनुभव की बातें सुना हो, वो भंडारे में तो एक दिन में खलास हो जाएगा। तो दादी को हम कहते थे दादी आप मोहन थाल ही क्यों बनाते, दूसरी टोलियाँ भी बनाया करो। तो दादी को अच्छा नहीं लगता था ये सुनना ज़रा भी,
और हमको ज़्यादा इस बारे में बोलने भी नहीं देती थी। कहती थी नहीं, मोहनथाल बहुत अच्छी टोली है और ये ख़राब नहीं होती जल्दी, इसलिए मैं बनाती हूँ। और सचमुच दादी जिनको भी खिलाती थी, VIPs को भी डब्बी बना के भेजते थे, हर एक उसकी इतनी महिमा करते थे कि ये टोली किसने बनाई, ये टोली बड़ी टेस्टी है। कोई कोई को तो इतनी लगती थी दादी, उसी समय उनको बना के डब्बा देती थी, 4 पीस देती थी। तो दादी अपने सामने ही वरांडे के आगे दरवाज़ा होता था, दरवाजे के पीछे इतनी जगह होती थी, तो जैसे आते जाते किसको दिखाई नहीं देता था, वहाँ कनस्तर रखवाती थी। अगर उस तरफ कोई घुस के कनस्तर खोल भी ले तो दादी को पता चल जाता था। तो कभी कभी हमको होता था आज मीठा खाना है, और कुछ मीठा भंडारे में है ही नहीं। तब इतनी ऐसे नहीं था, अभी और इन 50 सालों में यज्ञ का विस्तार हो गया ना, तो सभी बातों का विस्तार हो गया। उस समय इतना विस्तार टोलियों का, वैरायटी का कम होता था। तो हम उसमें से सोचते थे अब 2 पीस इसमें से लेने ही है हमको, तो ना अब जाके दादी को कहेंगे, दादी के पास कोई बैठा है, कैसे कहें। दादी मना नहीं करती थी, खुद भी बुला के कई बार कहती थी लाल टोली खाएगी, पूछ लेती थी, अगर हमने कह दिया नहीं तो माना नहीं तो दोबारा नहीं। और फिर हम उठा के, फिर मैं कभी कभी आ जाती हूँ कि दादी ये मोहनथाल बड़ा अच्छा बना है ना, तो हम खाते हैं। अच्छा लाल खाओ खाओ, माना कोई आम लेके आया, अब एक थैली लाया उसमें 5 आम है, तो पहले तो दादी उस थैली को किसी को उठाने ही नहीं देती थी। तो हमको समझ नहीं आता था, ये अच्छी भी नहीं लग रही, दादी के कमरे में आगे ही ऐसे आम की थैली पड़ी हुई है, उठा के इसको किचन में रखें या जहाँ यथास्थान दादी समझेगी कहेगी वहाँ जाके रख देंगे। पर दादी कहती थी नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाओ तुम, हाथ नहीं लगाओ। तो दादी को मैंने एक बार कहा, मैंने कहा दादी ये ना सुबह से ऐसे शाम हो गई और ये थैली यहाँ ही पड़ी हुई है, या और भी कोई फल लाया कुछ। तो दादी बोलती थी लाल तुम नहीं समझती हो, ये ना अब बाहर से आई है ये चीज़, अब किस वाइब्रेशन से आई है, किस दुकानदार से खरीदी है और देने वाले की क्या वृत्ति है, तो इसका वाइब्रेशन चेंज हो जाए। देखो कितनी, हम कभी सोचते ही नहीं ऐसे, का इसका वाइब्रेशन चेंज हो जाए। तो मैं दादी कहती थी आपने आप हो जाएगा क्या, दादी कहती थी हाँ, क्योंकि यहाँ का जो वाइब्रेशन है ना वो और है, तो आप ये तो समझती हो ना। मैंने कहा हाँ दादी ये तो राइट है, यहाँ का वाइब्रेशन तो पवित्र है एकदम, और बाबा की याद वाला है। तो दादी कहती थी हाँ, तो हमने सीखा धीरे धीरे ये बात ना, कि तुरंत कोई भी चीज़ आती है तो उसे तुरंत यूज़ नहीं करना है। हाँ कोई मंगाई है और कोई प्रोग्राम है, कोई उसी समय वो है, वो समय भी थोड़ा और था, इतने प्रोग्राम्स भी नहीं होते थे और तुरंत कोई सैकड़ों लोग भी नहीं आ जाते थे, तो फर्क होता ना समय का। पर कहने का भाव दादी का होता था कि जितना हो सके इसका वाइब्रेशन चेंज हो जाए। फिर हमारी खाना खिलाने की भी ड्यूटी होती थी, तो मेरे को दादी कहती थी देखो लाल ये 5 आम है और घर में इस समय 20-22 लोग हैं, तो कैसे बांटेगी। अब मुझे तो अक्ल ही नहीं इसको कैसे बांटना, मैं तो उठा के पूरा दे दूँगी या दूँगी नहीं, कहूँगी किसको दूँ किसको नहीं दूँ या आधा आधा कर दूँ। तो दादी खुद हमें सिखाती थी, कहती थी चाकू लाओ प्लेट लाओ, फिर एक आम में से ऊपर से निकाला, फिर दूसरी साइड से निकाला, फिर उसके 2 फांक किए, फिर दूसरे साइड वाले के 2 फांक किए, बीच की गिट्टक, तो कितने हिस्से हो गए एक आम के, 5 हुए ना, 4 फांके हो गई और एक बीच की गिट्टक हो गई। तो गिट्टक से कैसे छिलका निकालना है वो भी दिखाती थी। तो दादी कहती थी देखो बाकी का माल ना गिट्टक को लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा होता था, कहती भाइयों की थाली में ये रखना और ये जो छोटी छोटी फांके हैं ना 4, ये बहनों की थाली में रखना। तो कहा 1 से 5 हो गए, तो 5 आम से कितने हो जाएंगे, 25। तो कहा सबको मिल जाए, ऐसे दादी हमको सिखाती थी। कोई मेहमान आता था तब पकोड़े बनते थे, ऐसे नहीं जब मर्जी पकोड़े तल के खा लो। तो हमको तब दादी को होता था कि जब तलेंगे तो ध्यान तो जाएगा ना, घर में पकोड़े बन रहे खुशबू भी पहुंच जाती दूर दूर। तो दादी कहती थी कोई बात नहीं लाल, सबकी प्लेट में ना 2-2 पकोड़ा रखना।
तो हमने कहा ठीक है, अब फिर कभी कोई कहेगा नहीं और भी दो तो हम मना थोड़ा करेंगे। तो दादी मेरे से पूछती थी सबको मिला, मैंने कहा हाँ दादी मिला, कोई ने मांगा और, तो मैं आगे चुप, ना हाँ ना ना, कैसे कहूँ मांगा। दादी कहती कोई समझ जाती थी, कोई बात नहीं लाल, कोई मांगे तो एक और दे देते हैं। तो ऐसे हमको ट्रेनिंग मिली, कैसे मेहमान को खिलाना है, कैसे हार्ड वर्क करना है, सभी बातों की। गेहूँ साफ करने बैठती थी दादी, हम सबको साथ बिठाती थी, कोई स्पेशल चीज़ बनती थी ना तो दादी हमको कहती थी तुम साइड हो जाओ मैं बैठ के खिलाऊंगी, खुद मूड़ा लेके बैठ जाती थी और आगे पतीले, जैसे मधुबन में नहीं पहले खिलाते थे पांडव ने, आगे पतीले पड़े होते हैं और कड़छी से देते जाते हैं, अभी भी है ना पांडन में ऊपर। तो ऑलराउंडर दादी, माना खिचड़ी भी बनी है ना, संडे का दिन है, अच्छी तरीके से बनाई है दादी, पतीला आगे रखवा के कहती थी आओ मैं बैठ के देती हूँ, फिर कड़छी से सबको नाप के देती थी, दो कड़छी डाली, किसी को और चाहिए तो और डाली, उसकी कोई मना नहीं थी। लेकिन उसकी दादी जैसे एक वैल्यू बढ़ा देती थी चीज़ की ना, नहीं तो उस चीज़ की सो ठीक है खिचड़ी खा ली ना, बड़ी बात थोड़ा है कोई, पर दादी खिला रही है और दादी बैठी है तो चीज़ की क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी ना। ऐसे बहुत बार कुछ भी स्पेशल बनता था तो दादी खुद आके बैठ जाती थी। इतनी दादियों के अंदर यज्ञ वत्सों की पालना कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे देनी है। दादी कहती भी थी बाबा ऐसे करता था, बाबा हमें ऐसे सिखाता था। तो जो भी कोई ऐसी बात होती थी तो दादी, बाबा ने जैसे यज्ञ को चलाया, शुरू में 350-400 थे तो सब कुछ बाबा ने देखा ना, कैसे पालना देनी है, क्या नहीं किया, सब कुछ किया ना बाबा ने। तो दादी वो बातें हमको सुनाती थी कि देखो यज्ञ में भी हमारी ड्यूटी होती थी, रात का पहरा भी मैं देती थी, कैसे कैसे हाँ बोरियाँ भी उठाते थे हम मिलजुल के, एक एक बोरी को हम चार चार बहनें उठाती थी। तो ऐसी सारी बातें भी हम सबको सुनाती रहती थी दादी। तो हम लोगों को भी अंदर ये रहता था कि ये पालना हमको मिल रही है। उस समय हम सहज लेते थे, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे ऐसे, और बड़ी खुशी खुशी प्रेम प्यार से सब कुछ बाबा जैसे कराता रहा और हम सीखते रहे। ओम शांति। आपका टाइम भी हो गया है। कई तो